क्वेश्चन टू देखते हैं। क्वेश्चन में पांच पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। जरा सा पढ़ते हैं। कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम। क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्या करना है? उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है बाय द इलिमिनेशन मेथड। किससे करना है? इलिमिनेशन मेथड से। आगे में फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर एंड वन सबट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन। कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर में वन को जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में वन घटा दिया जाए तो जो फ्रैक्शन होता है वो वन रिड्यूस होके वन हो जाता है। आगे में इट बिकम वन बाई टू इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि फ्रैक्शन हो जाता है वन बाई टू यदि हम केवल डिनोमिनेटर में वन ऐड करें। ठीक है, करते हैं या करें तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। हमारे पास में क्वेश्चन कॉपी नहीं की है बोर्ड में, तो बुक हाथ में ही रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर को एनआर लिखेंगे, न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी आर लिखेंगे, डिनोमिनेटर बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि बोथ में हम ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, वन के बराबर होता है। चलो ठीक है, वन लिख दिया। न्यूमिरेटर में वन ऐड करना है और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो वन के नीचे कुछ नहीं तो हम वन मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां भूल गया मैंने, वन लिखा। आधा तो क्वेश्चन हमने यही कंप्लीट कर चुके। ठीक है, अब करना है अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। वन से मल्टीप्लाई एक्स को करेंगे एक्स मिलेगा, वन को मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो वन ही मिलेगा, इज इक्वल। वन से मल्टीप्लाई वाई को करेंगे तो वाई मिल जाएगा, वन को मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करेंगे माइनस वन मिल जाएगा। अब आपको ये करना है कि जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, यानी कि एक्स और वाई को एक तरफ रखना है और कॉन्स्टेंट को एक तरफ लेके जाना। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये प्लस में है इसको राइट पे लेके जाएंगे माइनस वन हो जाएगा। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस टू, ये इक्वेशन अपना फर्स्ट बन गया। तो हमने यहां क्या किया कि फॉर्म किए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। ठीक है, अब सिमिलर करेंगे हम, सिमिलर आगे में चलते हैं। कह रहा है इट बिकम वन बाई टू, पहले फ्रैक्शन लिख देते हैं वन बाई टू। इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, कह रहा फ्रैक्शन हो जाता है वन बाई टू यदि हम केवल डिनोमिनेटर में वन ऐड करें। कर दिया आपने, फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टू को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करोगे तो ये टू एक्स मिल जाएगा, इज इक्वल टू वन को मल्टीप्लाई वाई के साथ में करोगे तो वाई मिलेगा, वन को मल्टीप्लाई वन के साथ में करोगे तो वन ही मिलेगा। अब करना क्या है, वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ। ठीक है, तो टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन टू हो गया। अब क्या करना है? सोल्यूशन करना, सिंपल आपको सोल्यूशन करना है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन वन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्यूशन करना है। आप भी स्टार्ट कीजिए, हम भी करते हैं। सॉल्विंग सॉल्विंग
इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू और टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। अब ऐसा करें कि हम साइन को बदल दें तो काम बन जाएगा। देखो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये माइनस, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और दो में से एक को घटाओगे तो एक बच जाएगा, यानी कि यहां से एक्स मिल जाएगा, माइनस का एक्स मिलेगा, इज इक्वल टू, ये आपस में दोनों जुड़ेंगे, माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री। देखो एक तो वैल्यू आ चुका है, ठीक। अब अगर हम इसका वैल्यू रख दें, किसमें रख दें, तो इक्वेशन वन में रखो टू में रखो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, वन में रखते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, वन में हम रखते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं, ऐसा करते हैं एक्स को उधर ले जाते हैं, वैल्यू रख देते हैं थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, प्लस थ्री है, इसको जब आप लेके जाओगे राइट हैंड साइड पे तो इसका साइन बदल जाएगा और माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव एड कर दिया हमने, ठीक है, माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा यहां से फाइव, ठीक है। देखो यही हमें निकालना था, देखते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज थ्री बाई फाइव, ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट करेंगे और सेकेंड पार्ट हम यहीं से शुरू करते हैं यार, चलो इधर से कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, कह रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूर की जो आयु थी वो सोनू से 3 गुनी थी। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद में नूरी जो है वो सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। हाउ वर्ल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो आपको ये बताना है कि सॉरी नूरी और सोनू एक दूसरे से कितने साल के बड़े और छोटे हैं, यानी कि प्रेजेंट एज निकालो। तो मैंने याद करो जरा सा कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि आफ्टर लेटर हेंस नाउ, इन 4 वर्ड को याद रखना, ये चारों कभी भी आपको दिखे तो आपको एडिंग करना है। क्या एडिंग करना है फिर से सिखाऊंगा, और जहां पे आपको बिफोर और अगो दिखे वहां पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। कहां सब्ट्रैक्ट करोगे अभी सिखाते हैं। सबसे पहले आप नूरी और सोनू को कुछ मान लो, तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ नूरी नूरी बी एक्स ईयर ईयर्स, ठीक है, एंड सोनू इज बी वाई ईयर्स, ठीक है, मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा 5 साल पहले, तो देखो सोनू और नूरी को आपस में दोनों को बराबर करके लिखो, यह है नूरी, यह है सोनू, यह है नूरी, यह है सोनू। क्या कह रहा, 5 साल पहले एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फाइव, ठीक है। आगे में
नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी बड़ी थी। तो आपको क्या करना है, सोनू को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और अगर नूरी को करना है तो डिवाइड करना भाई, नूरी को करना है तो डिवाइड करना ना कि मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई वाई से 3 वाई, 3 को मल्टीप्लाई माइनस फाइव से -15। कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ, वेरिएबल को करना है एक तरफ, तो एक्स प्लस टू माइनस 3 वाई इज इक्वल टू -15, ठीक है, और माइनस फाइव तो प्लस, एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे -10, और यहां से हमें इक्वेशन मिल गया 1, ठीक है। सिमिलर 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 आगे भी चलते हैं, और कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, तो पहले एक्स और वाई को बराबर करो, यानी कि नूरी और सोनू को बराबर करो 10 ईयर्स लेटर। लेटर मीन्स एडिशन, बाद का प्रोनाउंसिएशन दे रहा, ठीक है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ओके। नूरी जो है वो सोनू से 2 गुनी बड़ी हो जाए, ठीक है, तो करना है सोनू को मल्टीप्लाई ना कि नूरी को करना है। सॉल्व करते हैं इसे, तो 10 सॉरी एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई वाई से 2 वाई, 2 को मल्टीप्लाई 10 से तो 20। कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ और वेरिएबल को एक। क्वेश्चन नहीं लिखने से यार बड़ा प्रॉब्लम आता है, बोर्ड पे लिखा रहता है तो इजी होता है, बार 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 बुक को देखने के बाद में थोड़ा सा नजर आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे में, तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक्स प्लस टू माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 20 कॉपी, प्लस 10 तो -10, एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन मिल गया हमें दूसरा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और वो आप जानते हो, ठीक है। सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 है एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 10, वहां पे माइनस यहां पे प्लस। देखो गौर से देखो भाई, अब क्या करना है कि एक्स को मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, ये एक्स और ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसको सबट्रैक्ट करो यार, -3 प्लस 2 -1, -10 -10 -20 माइनस माइनस कैंसल आउट, तो वाई इज इक्वल टू 20 इयर्स साथ में लिख देता हूं, साथ में नहीं साथ में, ठीक है। तो सोनू कितने साल का था, 20 साल। पता करते हैं नूरी कितनी, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं तो आसान किसमें पड़ जाएगा, एक ही जैसा है यार, 2 को यूज करते हैं इसमें, 14 दे वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2, वाई का वैल्यू हम 2 में रख रहे हैं, ठीक है। एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस तो प्लस 2 वाई, एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 20, 70 साल, कितने 20 दूंगा 40, 50 50 है ना, 50 साल भी कितने अच्छे। एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 40, एक्स इज इक्वल टू 50 ईयर्स, 50 ईयर की ईयर्स, ठीक है, लिखते हैं स्टेटमेंट दे देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा फिर ये। 50 साल की जो है वो नूरी थी, लिख देते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड इज 50 ईयर्स। पहले इसे कॉपी करेंगे,
एक और दो, दो पार्ट कर दिए हैं, तीन और बचे हुए हैं, फिर एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसे कॉपी करो यार।